जैसे कि हम कोई कर रहे हैं, तो अगर कोई रेगुलर कर रहा है तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। जैसे रेगुलर एरिया है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो जैसे ग्राफ है, एक्सवाई ग्राफ है, और जैसे कोई इंक्लाइंड है, तो अगर मैं बोलूँगा इसके नीचे का एरिया निकाल, तो तुम क्या करोगे कि यू ड्रॉ ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालोगे। तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। क्योंकि ये रेगुलर फिगर है करके हमको पता है कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व, इसको एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का कर्व है और उसके अंदर का हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। अब अगर ये कर्व इस तरह का ना हो कि इस तरह का हो, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो अभी जैसे कि ये स्टार्ट पॉइंट हो गया और ये इसका क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया, है ना। अब ये क्या है, ये कर्व क्या है, रेगुलर कर्व नहीं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा ऐसा रेक्टेंगल बनाते हैं, बहुत छोटा। तो उसमें क्या होता है कि ये जो विड्थ है ये हो गया, मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, जैसे कि ये अगर एक्स वन है एक्स टू है, तो ये हो गया डीएक्स। डीएक्स का मतलब होता है, या तो बोल सकते हैं डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स होता है एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर एक्स टू माइनस एक्स वन बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है, तो वो बन जाता है डेल्टा एक्स, डी एक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डी एक्स, छोटा सा विड्थ, और ये जो हाइट हो गया ये क्या है। अब जैसे कि ये जो कर्व है ये कुछ नहीं है बल्कि वाई इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, इसको प्लॉट किया है इस कर्व को, है ना। तो अगर हमने इसको प्लॉट किया है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये इतना सकरा है कि एक प्रकार का पॉइंट है, तो एक्स कॉमा वाई है, तो इसमें जो हाइट है इसकी ये है वाई, और इसकी जो विड्थ है वो हम दे रहे हैं डी एक्स। तो इसका जो छोटा सा एरिया हो जाता है डी ए, उसको बोलते हैं छोटा एरिया, डी ए इज इक्वल टू वाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि लेंथ इनटू विड्थ होता है एरिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल हम लेंगे जो कि स्टार्ट हो रहे हैं एक्स वन पे, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे, अब इसको एक्स वन एक्स टू बोलते हैं, या फिर इसको हम यहाँ पर एक्स वन और एक्स टू, या इसको कोई और नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, और एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी दे देते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे रेक्टेंगल जो ए से स्टार्ट होने और बी में एंड हो रहे हैं, तो हम ऐसे सारे रेक्टेंगल्स का क्या करने वाले हैं, एरिया का क्या करने वाले हैं, समेशन करने वाले, समेशन का साइन है। तो हम सारे एरिया का क्या करेंगे, समेशन करेंगे, समेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई डी एक्स। अब इससे क्या होगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो हमने रेक्टेंगल हम जिसको बोल रहे हैं, मतलब वाकई में वो रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि देखो नीचे से तो ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लेकिन ऊपर में ये कैसा दिख रहा है, एक कर्वेचर है। तो ये जो कर्वेचर है ये एक एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उस एरर को हम अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमको ये जो स्ट्रिप है जितनी पतली हो सके उतनी पतली लेना है। इसका मतलब जो डेल्टा एक्स है वो टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इतनी पतली स्ट्रिप हो जाएगी कि वो जो एरर है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो या नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस में जब हम इस डी एक्स मतलब डेल्टा एक्स को छोटा करते हैं, तो इतने सवाल ये उठता है कि जब ये इतना छोटा हो जाएगा तो कितने रेक्टेंगल होंगे। ऐसा नहीं है कि 100 है, 200 या 300, क्योंकि कोई सीमा नहीं है कि हम इसको कितना पतला कर सकते हैं। तो इसके मतलब है इनफाइनाइट रेक्टेंगल हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो समेशन है ये डिस्क्रीट ना होकर कंटिन्यूस हो जाएगा। डिस्क्रीट मतलब होता है जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो वो डिस्क्रीट स्टेप्स होते हैं, लेकिन अब ये स्टेप इतने छोटे होते जाते हैं कि वो जो सीढ़ी है वो पूरा क्या बन जाता है, वो सीढ़ी मतलब हमको दिखती नहीं है, मतलब इतनी छोटी हो जाती है ना। तो इसको बोलते हैं कि डिस्क्रिटाइजेशन को कंटिन्यूएशन में करना है ना। तो जो डिस्क्रीट स्टेप्स थे वो क्या बन जाएंगे, कंटिन्यूअस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जब डिस्क्रीट, तो ये जो समेशन है ये क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बन जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब कुछ नहीं, समेशन ही होता है, बट वो समेशन जिस लेवल पे हो रहा है वो लेवल जो है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, तो वो जो समेशन है वो इंटीग्रेशन होता है। तो अब इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करना है, तो ये जो फॉर्मूला हो गया, एरिया का फॉर्मूला तो निकल गया, ए इज इक्वल टू
ये जो साइन हो गया इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कैसे बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो x इक्वल टू a से स्टार्ट हो रहा है और x इक्वल टू b पे एंड हो रहा है। तो x इक्वल टू a इसका लोअर लिमिट हो जाता है और x इक्वल टू b इसका क्या हो जाता है, अपर लिमिट हो जाता है। तो x इक्वल टू a लोअर लिमिट है, x इक्वल टू b अपर लिमिट है। तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, y का करना है और उसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, तो उस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमको y एज अ फंक्शन ऑफ x पता होना चाहिए। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह मान लो x का पावर n है, मतलब y इक्वल्स टू क्या है, x का पावर n है dx। तो इसका मतलब है इंटीग्रल ऑफ, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम y को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इसका आंसर होता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका आंसर होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमको क्वेश्चन दिया गया कर तो हमको ये वैल्यू को बताना जरूरी है कि किस तरह का फंक्शन है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि क्यूबिक फंक्शन है कि पॉलीनोमियल फंक्शन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है y इक्वल टू x स्क्वायर हो सकता है, वो y इक्वल टू sin ऑफ x हो सकता है, वो y इक्वल टू log ऑफ x हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो इन सब का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो अगर ये y इक्वल टू sin x है मान लो, इसका जो होगा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस cos x, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद एक और स्टेप होता है। जैसे कि पहला वाला केस लेते हैं, हम एक केस लेके सॉल्व करते हैं इसको, जैसे कि y इक्वल टू x स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन लेते हैं कि हमको y इक्वल टू x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है From x equal to 1 to x equal to 2, ठीक है? तो integration of x equal to 1 to x equal to 2 x square dx, ये हमको integrate करना है। तो ये हो जाएगा x cube by 3 और lower limit को यहाँ लिखते हैं और upper limit को यहाँ लिखते हैं। फिर हम upper limit की value को put करते हैं, फिर हम minus यहाँ लिखते हैं, फिर हम lower limit की value को put करते हैं, ठीक है? x की जगह में। तो आ जाता है 8 by 3 minus 1 by 3 is equal to 7 by 3 square units। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया x square को from x equal to 1 to x equal to, clear है? ये इंटीग्रेशन, clear? इंटीग्रेशन क्या है, क्या उसका यूज है? उसका यूज सिर्फ इतना है कि इस तरह के कर्व्स का जो एरिया है हमको जब निकालना होता है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सवाल ये उठता है कि हमको एरिया निकालना क्यों, इसलिए निकालना है कि जैसे कि तुम एक पढ़े होगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ 9th क्लास में पढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमको पता होता है कि जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका वैल्यू वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। मतलब अगर हम टाइम t1 से लेकर t2 तक जा रहे हैं और अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमको एरिया अंडर vt ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो अगर इस तरह कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे एरिया, अगर नॉन कर रहे सर्कल है कुछ रेक्टेंगल है तो बता सकते हैं, इस तरह का कर रहे हैं तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन की मदद लेनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। या फिर क्या करना पड़ेगा कि हमको इस पूरे एरिया को, हमको जैसे बचपन में करते थे हम 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आते थे कि हम पूरे एरिया को ऐसे स्क्वायर रूट्स में डिवाइड कर देते, ठीक है, समझे, फिर हम काउंट कर देते कि कितने पूरे पूरे वाले स्क्वायर है, कितने आधे वाले स्क्वायर है, समझ लो, तो उससे निकाल देते। अब ये करने की जरूरत, ये एग्जैक्ट आंसर देता है, 100% एक्यूरेट आंसर देता है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई मतलब एरर नहीं आता, ये 100% है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है।